राजाओं का वृत्तांत दूसरा भाग अध्याय 13। राजाओं का वृत्तांत दूसरा भाग अध्याय 13। यहोआहाज का राज्य। अहज्याह के पुत्र यहूदा के राजा योआश के 23वें वर्ष में येहू का पुत्र यहोआहाज शोमरोन में इसराइल पर राज्य करने लगा और 17 वर्ष तक राज्य करता रहा, और उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, अर्थात नबात के पुत्र यारोबाम जिसने इसराइल से पाप कराया था उसके पापों के अनुसार वह करता रहा और उनको छोड़ न दिया। इसलिए यहोवा का क्रोध इसराइलियों के विरुद्ध भड़क उठा और उसने उनको अराम के राजा हजायल और उसके पुत्र बेंदत के अधीन कर दिया। तब यहोआहाज यहोवा के सामने गिड़गिड़ाया और यहोवा ने उसकी सुन ली, क्योंकि उसने इसराइल पर अंधेर देखा कि अराम का राजा उन पर कैसा अंधेर करता है। इसलिए यहोवा ने इसराइल को एक छुड़ाने वाला दिया और वे अराम के वश से छूट गए, और इसराइली अगले दिनों की नाई फिर अपने अपने डेरे में रहने लगे। तब भी वे ऐसे पापों से न फिरे जैसे यारोबाम के घराने ने किया और जिसके अनुसार उसने इसराइल से पाप कराए थे, परंतु उनमें चलते रहे, और शोमरोन में अशेरा भी खड़ी रही। अराम के राजा ने तो यहोआहाज की सेना में से केवल 50 सवार, 10 रथ और 10,000 प्यादे छोड़ दिए थे, क्योंकि उसने उनको नाश किया और राउंद राउंद करके धूली में मिला दिया था। यहोआहाज के और सब काम जो उसने किए और उसकी वीरता, यह सब क्या इसराइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? निदान यहोआहाज अपने पुरखाओं के संग सो गया और शोमरोन में उसे मिट्टी दी गई, और उसका पुत्र योआश उसके स्थान पर राज्य करने लगा। योआश का राज्य और एलिशा की मृत्यु। यहूदा के राजा योआश के राज्य के 37वें वर्ष में यहोआहाज का पुत्र यहोआश शोमरोन में इसराइल पर राज्य करने लगा और 16 वर्ष तक राज्य करता रहा, और उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, और नबात का पुत्र यारोबाम जिसने इसराइल से पाप कराया था उसके पापों के अनुसार वह करता रहा और उनसे अलग न हुआ। योआश के और सब काम जो उसने किए और जिस वीरता से वह यहूदा के राजा अमस्याह से लड़ा, यह सब क्या इसराइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? निदान योआश अपने पुरखाओं के संग सो गया और यारोबाम उसकी गद्दी पर विराजमान हुआ, और योआश को शोमरोन में इसराइल के राजाओं के बीच मिट्टी दी गई, और एलिशा को वह रोग लग गया जिससे वह मरने पर था। तब इसराइल का राजा योआश उसके पास गया और उसके ऊपर रोकर कहने लगा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इसराइल के रथ और सवारों। एलिशा ने उससे कहा, धनुष और तीर ले आ। वह उसके पास धनुष और तीर ले आया। तब उसने इसराइल के राजा से कहा, धनुष पर अपना हाथ लगा। तब उसने अपना हाथ लगाया, तब एलिशा ने अपने हाथ राजा के हाथों पर धर दिए। तब उसने कहा, पूर्व की खिड़की खोल। जब उसने उसे खोल दिया तब एलिशा ने कहा, तीर छोड़ दे। उसने तीर छोड़ा और एलिशा ने कहा, यह तीर यहोवा की ओर से छुटकारे अर्थात आराम से छुटकारे का चिन्ह है, इसलिए तू अपेक में आराम को यहां तक मार लेगा कि उनका अंत कर डालेगा। फिर उसने कहा, तीरों को ले। और जब उसने उन्हें लिया तब उसने इसराइल के राजा से कहा, भूमि पर मार। तब वह तीन बार मारकर ठहर गया, और परमेश्वर के जन ने उस पर क्रोधित होकर कहा, तुझे तो 5-6 बार मारना चाहिए था, ऐसा करने से तो तू आराम को यहां तक मारता कि उनका अंत कर डालता, परंतु अब तू उन्हें 3 ही बार मारेगा। तब एलिशा मर गया और उसे मिट्टी दी गई।
एक वर्ष के बाद मोआब के दल देश में आए। लोग किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे कि एक दल उन्हें देख पड़ा। तब उन्होंने उस लोथ को एलिशा की कब्र में डाल दिया और एलिशा की हड्डियों के छूते ही वह जी उठा और अपने पांव के बल खड़ा हो गया। यहोआहाज के जीवन भर आराम का राजा हजायल इसराइल पर अंधेर ही करता रहा, परंतु यहोवा ने उन पर अनुग्रह किया और उन पर दया करके अपनी उस वाचा के कारण जो उसने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से बांधी थी, उन पर कृपा दृष्टि की और न तो उन्हें नाश किया और न अपने सामने से निकाल दिया। तब आराम का राजा हजायल मर गया और उसका पुत्र बेंदद उसके स्थान पर राजा बन गया और यहोआहाज के पुत्र यहोआश ने हजायल के पुत्र बेंदद के हाथ से वे नगर फिर ले लिए जिन्हें उसने युद्ध करके अपने पिता यहोआहाज के हाथ से छीन लिया था। यहोआश ने उसको 3 बार जीतकर इसराइल के नगर फिर ले लिए।